सो हे व्हाट्सअप गाइस, सो गाइस आज के वीडियो होने वाले कैसे आप माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन कीबोर्ड से साथ खेल सकते हो बिना किसी माउस की ज़रूरत। हाँ गाइस, बिना किसी माउस से आप खेल सकते हो, बिल्कुल पॉकेट एडिशन मस्त है, खेल सकते हो। सो गाइस मैं इसका पहले पार्ट भी डाल चुका हूँ, अगर आप पहले पार्ट नहीं देखो सबसे पहले वो पार्ट देख लीजिएगा, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में जाना है, उसके बाद कीबोर्ड एंड माउस में आपको फुल कीबोर्ड गेम प्ले ऑन कर देना है। ऐसे बिल्कुल आपका फर्स्ट तरीका है कि आपको फुल कीबोर्ड गेम प्ले ऑन करना है, नहीं तो आप खेल नहीं पाओगे पॉकेट एडिशन में। सो गाइस उसके बाद कंट्रोल में जाना, आपको हाइट कंट्रोल हिंट्स आपको ऑन कर देना है। अगर देख सकते हो तो थर्ड वाला ऑप्शन हाइट कंट्रोल हिंट्स, उसके टच में जाना है, आपको स्प्लिट कंट्रोल्स ऑन कर देना है। गाइस आप चाहो तो टच ओनली इफेक्ट हॉट बार भी ऑन कर सकते हो, नहीं वो आपकी। उसके बाद आपको क्या करना है, चलो गेम में आपको ओपन कर देगा, दिखा देता हूँ मैं। सो गाइस जैसे आप कीबोर्ड में W प्रेस करते हो तो आप आगे जाने लगते हो, यानी कि फ्रंट वर्ड्स, एंड जैसे आप कीबोर्ड में S दबाते हो तो आप बैकवर्ड आने लगते हो, जैसे कीबोर्ड में A दबाते हो तो लेफ्ट साइड, और जैसे कीबोर्ड में आप D दबाते हो तो आप राइट साइड जाने लगते हो। ये गाइस आपको कैसे मूव करना है आगे पीछे, मूवमेंट वाला। सो गाइस बाद में आपको मैं बताऊंगा स्क्रीन कैसे रोटेट करते हैं। सो गाइस अब स्क्रीन रोटेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एरो की जो है एरो की सब ऊपर एरो के ऊपर और नीचे एरो की, आपको लेफ्ट और राइट एरो की से आप साइड साइड कर सकते हो, आपको जैसे स्क्रीन हो 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेन चीज़ है हमारा हॉट। सो मेन हमारा चीज़ है हॉटपॉट, जो कि मैं बता चुका हूँ। सो हॉटपॉट्स के लिए आपको फंक्शन की का जो नीचे वाला फंक्शन की के नीचे आपको नंबरिक दिया होता है 1 से 9, वो आपको यूज़ करना है। सो गाइस आपको 9 स्लॉट्स होते हैं, तो 1 दमन से 1 स्लॉट, 2 दमन से 2 स्लॉट, वैसे 9 स्लॉट्स में 9 होते हैं हमारा। और एक मेन बात यह है कि हमको शिफ्ट करना पड़ता है, यानी कि बैठना नहीं तो जंप करना। सो गाइस मैं आपको बताऊंगा कैसे आप शिफ्ट दबा के बैठ सकते हो, नहीं तो जंप भी कर सकते हो कैसे कीबोर्ड की जैसे। गाइस आप कीबोर्ड में जैसे शिफ्ट दबाओगे तो आप बैठने लगते हो, उसके बाद देख सकते हो मैं रोटेट कर रहा हूँ, शिफ्ट में बैठा हूँ मैं, इसके बैकवर्ड से दिखा रहा हूँ कि मैं बैठ चुका हूँ। अगर स्पेस बार दबाओगे तो आप जंप करने लगते हो। सो गाइस उसके बाद आप कंट्रोल दबाओगे तो आपको भागने लगते हो। सो गाइस कंट्रोल दबाओगे तो भागोगे, और वो भी जरूरत नहीं तो आपको W का डबल टैप भी कर सकते हो भागने के लिए। सो गाइस मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि आप डायरेक्ट कंट्रोल दबाओगे तो नहीं भागोगे, आपको कंट्रोल के साथ साथ W भी की दबाना पड़ेगा, तभी आप भाग सकते हो। सो गाइस मेन अगला फैक्ट है ब्लॉक ब्रेकिंग और ब्लॉक प्लेसिंग। सो चलिए आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस अगर आपको ब्लॉक ब्रेक करना है तो आपको कीबोर्ड में क्यू दबाना पड़ेगा। जैसे आप क्यू दबाओगे तो आप ब्लॉक ब्रेक करना है, तो उसके बाद देख सकते हो मैं क्यू दबा के ब्लॉक भी ब्रेक कर चुका हूँ। सो गाइस देख सकते हो मैं ब्लॉक ब्रेक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या ब्लॉक प्लेसिंग में भी आपको दिखा देता हूँ कैसे प्लेस करना है आपको ब्लॉक। सो गाइस चलिए सबसे पहले हम क्राफ्टिंग टेबल में रखकर थोड़ी बहुत प्लैंक्स ले लेते हैं, जो कि वो एक लॉग तो ज़्यादा हो गए, 13 16 हो गए। सो गाइस चलिए मैं एक जगह जाता हूँ जहाँ मैं थोड़ी बहुत प्लेस करने दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस प्लेस करने के लिए आपको ई दबाना पड़ेगा। सो गाइस देख सकते हो मैं ई दबा कर प्लेस कर रहा हूँ ब्लॉक्स, जैसे आपको देख सकते हो स्क्रीन में। सो गाइस चलिए मैं प्लेस करता हूँ थोड़ी बहुत पार्क हर्थ की तरह। चलो मैं 360 डिग्री आपको प्लेस करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो गाइस मैं पूरा घूम रहा हूँ प्लेस कर रहा हूँ। सो गाइस मेन आपको आते हैं, उसके बाद आपको इन्वेंटरी खोलना और इन्वेंटरी बंद करना। सो गाइस चलिए मैं इन्वेंटरी आपको कैसे खोलना मैं बता देता हूँ आपको। सो गाइस आप इन्वेंटरी खोलने और बंद करने के लिए सी दबाना पड़ेगा, जैसे आप सी दबाओगे तो आप इन्वेंटरी खोल लोगे और बंद करोगे। सो गाइस हमारे चैनल में सब्सक्राइब बहुत कम है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ, बाय बाय।